बुधवार को शहर में तिथि अनुसार शिवराज्याभिषेक जयंती मनाई गई। कोरोना के साए के कारण इस वर्ष भी जयंती बड़ी ही सादगी से मनाई गई। भारत के इतिहास में शूरवीरों की चर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना अधूरी है। मुगलों को नाकों चने चबाने और भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाने में शिवाजी महाराज का योगदान अविस्मरणीय है। वैसे तो हर वर्ष शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन 6 जून को मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग तिथि अनुसार भी शिवराज्याभिषेक जयंती मनाते हैं। इसी के चलते बुधवार को शहर में शिवराज्याभिषेक जयंती मनाई गई। हालांकि कोरोना के प्रकोप के चलते इस वर्ष भी शिवराज्याभिषेक जयंती सादगी से मनाई गई। इस संबंध में राजीव उदय जी भोसले ने अधिक जानकारी साझा की। हे शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यामध्ये एक भावना असते की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्यासाठी केलेलं कार्य आणि त्याच्याबद्दल युवा पिढीमध्ये आणि येणाऱ्या याच्यामध्ये एक प्रेम वाढावं आणि त्यांनी जे कार्य केलं ते कार्य त्यांनी आपल्या तनामनात ठेवून त्याप्रमाणेच कार्य करत आपल्या जीवनाची जी भी वाटचाल करावी ती छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उद्देशाला आणि त्यांच्या ह्याला पकडूनच त्यांनी करावी। आणि आज हे 348वा जो आम्ही इथं राज्याभिषेक तिथीप्रमाणे आम्ही नागपूरला साजरा करत असतो आणि तो आज आम्ही केला। या कोविडच्या अनुषंगाने दरवर्षी जो मोठ्या प्रमाणात होतो यावर्षी आम्ही तो छोट्याखानी कार्यक्रम केला आहे, पण एक तो राज्याभिषेक सोहळा हा संपन्न झाला पाहिजे ह्याच भावनेच्या हेतून हा कार्यक्रम आम्ही आज संपन्न केला आहे। आमच्यावर आमच्या इथले डीसीपी मथानी साहेब भी इथं उपस्थित आहे। आमच्या जे सेविका आहेत ज्यांनी कोविडच्या पिरियडमध्ये खूप सेवा केली अशा आज त्यांचे भी आम्ही सत्कार केलेले आहेत। दोन आमच्या भगिनी इथं आलेल्या आहेत, त्या युवा आहेत आणि त्यांनी एक आपण पाहिलेलं आहे की व्हॉट्सअप आणि ह्या फेसबुकच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या संगीताची एक नवीन चालना लोकांच्या जागृत केलेली आहे। अशा ह्या लोकांचा आज ह्या निमित्त सर्वांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। इस दौरान पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी उपस्थित थे। उन्होंने इस अवसर पर सभी को शिवराज्याभिषेक जयंती की शुभकामनाएं दी, साथ ही आशा व्यक्त की कि अगले वर्ष शिवराज्याभिषेक जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। सर्वप्रथम आज जो शिवराज्याभिषेक सोहळा हुआ है उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजा मोदो जी भोसले को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस बार कोरोना की वजह से ये बहुत छोटे स्तर पर आयोजित किया गया है, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगले साल ये बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाए। और एक और चीज़ की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस समय पर कोरोना का जो लसीकरण है। बता दें कि हिंदू हृदय सम्राट और मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।